Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. So in this video we are going to do class 9 maths NCERT book chapter number 2, that is polynomials exercise 2.1 question number 3. We have already done its two questions and example first. I will provide you all those links in the description box. You can check it out from there, and the introduction to polynomials also, in which the concept of polynomials is totally clear. So now we are going to do the question number 3, that says, give one example each of a binomial of degree 35 and a monomial of degree 100. Means aisa ek example dena hai ek bin means ek aisa example dena hai ek binomial ka jiski degree 35 ho aur ek monomial ki jiski degree 100 ho, right? तो अब बायनोमियल मोनोमियल क्या होते हैं, या मैं आपको ऑलरेडी इंट्रोडक्शन टू पॉलीनोमियल्स में एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि बायनोमियल वो होता है जिसमें टू टर्म्स होती हैं और मोनोमियल वो होता है जिसमें सिंगल टर्म होती है. तो बायनोमियल बस डिग्री क्या होती है, हाईएस्ट पावर. हाईएस्ट पावर को डिग्री कहते हैं, पावर ही समझ लो, बस हाईएस्ट हो तो उसको डिग्री कहते हैं, जो सबसे ऊँची हो. तब हमें एक बायनोमियल बताना है जिसकी डिग्री 35 हो. तो क्या, कौन सा बायनोमियल बताऊँ, मतलब मुझे कोई भी नंबर लिख दूँ मैं और उसकी डिग्री अगर 35 लगा दूँ, बस टू टर्म्स डाल दो उसमें. बायनोमियल में टू टर्म्स होते हैं, जैसे मुझे पता है कि बायनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं, टू टर्म्स. तो अगर मैं एक नंबर में टू टर्म्स डाल के उसकी डिग्री 35, पावर 35 लिख दूँ, क्या वो हो जाएगा मेरा आंसर? ऑफ कोर्स हो जाएगा. तो अगर मैं लेती हूँ, मैं ले लूँ अगर एक पॉनोमियल 2x35 + 9. अब देखो मैंने एक पॉलीनोमियल लिया जिसमें जो नॉन पावर भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है. नॉन नेगेटिव इंटीजर मीन्स पॉजिटिव है और नेगेटिव भी नहीं है और फ्रैक्शन में भी नहीं है. डिग्री 35 है, एक बायनोमियल बताना था जिसकी डिग्री 35 हो, इसकी डिग्री भी 35 है और ये बायनोमियल भी है क्योंकि इसमें टू टर्म्स है. तो ये मेरा हो गया क्वेश्चन. अगर अब मुझे कहा जाता है, अब दूसरा है मोनोमियल. अब मोनोमियल में कितने टर्म्स होते हैं हमारे, ओनली सिंगल टर्म. मोनोमियल कितनी डिग्री का बताना है, 100 डिग्री का. तो उसमें बस मुझे ऐसे ही तो करना है कि बस एक टर्म लेना है और उसकी डिग्री 100 दे देती है. लाइक अगर मैं लूँ, वेरिएबल पे डिग्री लगती है जैसा आप सबको पता है, तो मैं ले सकती हूँ 7y^100. यहाँ पे ये पॉलीनोमियल भी है, पावर भी नॉन नेगेटिव इंटीजर है, तो ये पॉलीनोमियल भी हो गया, तो इसकी डिग्री भी 100 हो गई, तो ये मोनोमियल भी हो गया क्योंकि इसमें एक ही टर्म है. टर्म एक ही, अगर मैं इसके बीच में प्लस लगा दूँ तो ये दो टर्म हो जाएंगे. अगर मैं इसे 7y कर दूँ ना तो ये बायनोमियल हो जाएगा, लेकिन ये एक ही टर्म है. आपको इंट्रोडक्शन टू पॉलीनोमियल्स की वीडियो ज़रूर देखना क्योंकि उसमें सारे कॉन्सेप्ट्स बिल्कुल क्लियर है. तो ये था तो हमारा क्वेश्चन नंबर 3. अगर आपको इस समझ में अच्छे से आ गया है तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना. थैंक यू.